क्वेश्चन नंबर 156 में क्या दिया है कि पी एंड क्यू टू एलॉयज है एल्युमिनियम एंड कॉपर का, और पी में जो रेशियो है ना एल्युमिनियम एंड कॉपर का 5:11 है, क्यू में है 3:5। फिर एक थर्ड एलॉय बनाया गया है पी एंड क्यू को मिक्स करके किस रेशियो में 1:3। तो हमें बताना है कि जो न्यू एलॉय बना है उसमें एल्युमिनियम कॉपर का क्या परसेंटेज है, नहीं एल्युमिनियम जो है कॉपर का कितना परसेंट है। तो हमने एक लिख लिया है पी, यहाँ पे है क्यू, एल्युमिनियम एंड कॉपर। पी में एल्युमिनियम एंड कॉपर का रेशियो है 5:11 का और क्यू में यही है 3:5 का। अगर हम टोटल करने जाए तो 11 and 5 16 हो रहा है, यहाँ पे 5 3 8 हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि पी का 1 रखना है, क्यू का 3 रखना है। अगर 1 का वैल्यू 16 है तो 3 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 48। तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 5 हो जाएगा 30, 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। तो जो हमने न्यू एलॉय फॉर्म किया उसमें एल्युमिनियम हो गया 18 + 5 23 एंड कॉपर हो गया 30 + 11 41। ये हो गया। तो जो हमें परसेंटेज चाहिए ना दोस्त, वो क्या है कि एल्युमिनियम कॉपर का कितना परसेंट है। तो 23/41 × 100 हो गया, ये कितना आ जाएगा। अगर हम 41 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 = 24 = 246 आ जाता है, जबकि ये 23 ही है। तो उससे कम होना चाहिए, और उससे कम जो है आपका पास में एक ही है 56, तो अप्रॉक्सीमेटली 56% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपको ये वीडियो सॉल्यूशन समझ में आए, कुछ फ़ायदा किया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट PYQ का सॉल्यूशन आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए सॉल्यूशन के साथ।